हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1। चैप्टर का नेम रेशनल नंबर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट पॉइंट इज रेशनल नंबर। द नंबर ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इज इक्वल टू द जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं और जिसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो जितने भी यहाँ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं एग्जांपल्स में, ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। इसलिए रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर जीरो होता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं, तो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन, अ रेशनल नंबर इज सेट टू बी अ पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर हम उन नंबर्स को कह सकते हैं जिसमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे रखे हैं, 5/8 एंड 6/-6/-11, दी बोथ आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर्स, अ रेशनल नंबर इज सेट टू बी अ नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइड। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन के होंगे, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, -3/14 एंड 7/-15। ये दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखे हैं जो दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर्स के हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। हम किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अ रेशनल नंबर ए अपॉन बी इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ ए एंड बी आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन डिविजर अदर देन 1 एंड बी इज पॉजिटिव। इसमें कहने का मतलब यह है कि किसी भी स्टैंडर्ड रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर पॉजिटिव का होना चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए, 1 के अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर किसी और नंबर से वो डिवाइड होता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। एग्जांपल्स देखते हैं एक एक क्वेश्चन के साथ। एक्सप्रेस 33/-44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें यहाँ पे 33/-44 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि क्या रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव है। अगर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज दैट नेगेटिव साइन विद मल्टीप्लाई बाय -1। नेगेटिव साइन को हटाने के लिए -1 का मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव का साइन नहीं रख सकते। सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया -33/44, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि 33 और 44 दोनों को बिगर नंबर कौन सा डिविजर है। तो हमने यहाँ चेक किया, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इज 11। इन दोनों नंबर्स को 11 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है और कोई नंबर दूसरा नहीं है। दोनों को हम डिवाइड देंगे बाय 11 एंड द आंसर इज -3/4। -3/4 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -33/44। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट कुछ नोट यहाँ पे हमने लिखे हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं वो जीरो से बड़े हो। एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन जीरो। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 1A। क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस -42/98
एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। हमसे बोला जा रहा है कि हमें इस क्वेश्चन में -42/98 को एक्सप्रेस करना है, जिसमें हमें डिनोमिनेटर 7 लेके आना है। हमारा डिनोमिनेटर अभी एट द टाइम 98 है, हमें इस 98 को रिमूव करके 7 लेके आना है। चलिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशंस, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 42 एंड 98। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो वो है हमारा 14, एंड 14 इज डिवाइडेड बाई ऑल बोथ द नंबर्स, -42 डिवाइडेड बाई 14 एंड 98 डिवाइडेड बाई 14, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन -3/7, यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि डिनोमिनेटर में हमारा 7 आ चुका है, जबकि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 ही चाहिए था। तो हमारा आंसर हो गया -3/7 इज आवर आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। हमें ये बताना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या डिनोमिनेटर सेम है, और अगर सेम है तो हमें उनके न्यूमरेटर्स को चेक करना है। इफ न्यूमरेटर आर बिगर देन द रेशनल नंबर आर ऑल्सो बिगर। तो चेक द न्यूमरेटर बोथ द कंडीशंस, -5 इन द फर्स्ट एंड -4 इन द सेकेंड। तो -4 इज द बिगर देन -5, सो -4/7 इज अ आंसर, या -4/7 इज ग्रेटर देन द -5/7, इट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट हमने यहाँ पे लिया है, विच ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। यहाँ पे कुछ गिवन पेयर दिए हुए हैं, जोड़े दिए हुए हैं, उसमें हमें यही चेक करना है सेम कि इन दोनों में से कौन सा बिगर है। अभी हमने इससे पहले देखा था कि जिसके डिनोमिनेटर सेम थे, लेकिन यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो चेकआउट कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ किया गया है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय बोथ रेशनल नंबर। हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 9/-12 एंड 7/-13, एंड आंसर इज -108 एंड -91। चेकआउट विच नंबर इज ग्रेटर, -91 इज ग्रेटर देन कंपेयरिंग टू द -108, सो -91 इज बिगर देन -108, सो दिस इज योर बिगर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उसका फर्स्ट पार्ट, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में अरेंज करना है इन सभी रेशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे नंबर बड़ा नंबर, और फिर सबसे बड़ा नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन तो नहीं है, और अगर नेगेटिव साइन है तो हमें उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए हमने जैसे पहले भी आपको बताया था -1 का मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें जिस डिनोमिनेटर में नेगेटिव का है सिर्फ उन्हीं को करना है -1 से मल्टीप्लाई। आप देख सकते हैं यहाँ -9 था तो हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का मतलब बोथ द नंबर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पूरे रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही आप यहाँ देखें -18 था, यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई किया -1 का, एंड फाइनल नंबर इज -4/9, -5/12, -7/18 एंड -2/3। दिस इज आवर फाइनल नंबर रेशनल नंबर्स। अब बात करते हैं एलसीएम्स की, एंड टेक द एलसीएम ऑफ दीज पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स, हमें इनके एलसीएम की बात करनी है। जब हमने एलसीएम फाइंड किया तो हमारा एलसीएम फाइंड होके आया 36। ओके, देन आंसर 36। अब क्या करेंगे, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उन सभी का डिवाइड देंगे 36 में, और जितने टाइम्स वो डिवाइड जाएगा उस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे -4 में। चेकआउट 9/36 इन 4 टाइम, 4/-4 इज -16। सेम 12/36 इन 3 टाइम, 3/-5 इज -15। 18/36 इन 2 टाइम, 2/-7
इज माइनस 14 एंड 3 डिवाइड 36 इन 12 टाइम 12 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 इज जस्ट इक्वल टू द 24. देन नोट डाउन सेपरेटली ऑल द नंबर्स. उसके बाद हम उनके ओरिजिनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. द सबसे छोटा नंबर जो हमारा था वो है माइनस का 2/3, उससे बड़ा नंबर -4/9, उससे बड़ा नंबर -5/12 एंड सबसे बड़ा नंबर 7/-18. हमने इन आंसर्स को जो हमारे आंसर फाइंड हुए हैं इन्हीं आंसर्स के ओरिजिनल नंबर्स को हमने यहाँ पे मेंशन किया है. कुछ होमवर्क हमने आप लोगों के लिए दिए हैं. कंप्लीट एक्सरसाइज 1A फ्रॉम योर बुक. अपनी बुक से कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1A को. यहाँ पे हमने कुछ खुद करके दिखाए हैं, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करने हैं. थैंक यू सो मच.